क्या आप जानते हैं कि आपकी गलती आपके वोट को इनवैलिड करा सकती है? इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे शहर से आए हैं या फिर वहां चले गए हैं और वहां आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो ऐसे हालात में वोट देने की निंजा टेक्निक क्या है? इसके अलावा भी जेल में होते हुए क्या कोई इंसान वोट डाल सकता है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको इन सारे सवालों का जवाब देगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। भारत का संविधान सभी एडल्ट्स को, यानी कि जो 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ खास हालातों में किसी भारतीय नागरिक से ये अधिकार छीन भी लेता है। अब छीनने की बात बाद में करेंगे, उससे पहले उस निंजा टेक्निक के बारे में बता देते हैं कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट कैसे दे सकते हैं। देखिए, चुनाव में 18 साल या उससे बड़े भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। ज़्यादातर लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होता, खासकर वो लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं या फिर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना जिला, अपना राज्य छोड़कर दूसरे जिले या दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को वोट देने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। अब ये फॉर्म 6 कहाँ मिलेगा? ये आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है या फिर डाउनलोड करके फॉर्म को भर के अपने शहर के BLO के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। खैर, ये तो हो गई वोट देने की टेक्निक, अब बात उस सिचुएशन की कर लेते हैं जिसमें आपका वोट इनवैलिड हो जाता है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 62(3) के मुताबिक कोई भी वोटर एक ही कैटेगरी के एक पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट से एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा चुनावों में केवल एक ही लोकसभा क्षेत्र में वोट कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र में वोट करता है तो उसके सभी वोट खारिज हो जाएंगे, मतलब इनवैलिड हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि कैसे आप एक शहर से दूसरे शहर या राज्य चले जाते हैं, उसके बाद अपना नाम वहां के वोटर लिस्ट में ऐड कराते हैं। ज़्यादातर मामलों में आपके लेटेस्ट पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपके पुराने पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट से आपका नाम लिस्ट से खुद ब खुद हटा दिया जाता है, लेकिन कभी कभार गलती से कुछ लोगों का नाम एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट में आ जाता है। ऐसे हालात में वोटिंग के अधिकार को लेकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 62(4) में बताया गया है कि अगर कोई वोटर एक ही निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एक से ज़्यादा बार वोट करता है तो उस शख्स का एक भी वोट गिना नहीं जाएगा। भले ही उसका नाम मतदाता सूची में दो बार आ गया हो, लेकिन वो चुनाव में वोट सिर्फ एक बार दे सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि क्या कोई वोटर जो किसी कारण से जेल में बंद है या फिर उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है, क्या उसे वोट करने का अधिकार है? देखिए, इसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 62(5) में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा अगर वो जेल में बंद है या पुलिस की कानूनी हिरासत में है। इसके अलावा भी अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है और जिसे कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग घोषित कर दिया हो, ऐसे लोगों का ना तो वोटर लिस्ट में नाम होगा, ना ही ऐसे लोगों को वोटर कार्ड दिया जाएगा, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए, भारत में अगर चुनाव होते हैं तो इनमें वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है, वो भी चुनाव में वोट डालकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इस अधिकार को पाने के लिए भी उन्हें एक तय प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। खैर, आप किस लोकसभा सीट के वोटर हैं और आपने अब तक वोट किया या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।